अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज जुलाई 10th है, सैटरडे का दिन है। आज का जो ब्रेकफास्ट रूटीन है मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। अभी जो टाइम है 7:30 AM हो रहा है। फजर में वैसे जगी थी मैं, सलहा के बाद थोड़ी देर के लिए एक शॉर्ट नैप मैंने ले ली और मैं, आसिम और आयजा तीनों साथ जगे और साथ फ्रेश हुए और मैंने आयजा के बाल वाल बना दिए, फ्रेश करवा दिया, उनको फीडिंग बॉटल भी मैंने दे दिया था। जल्दी से मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और जब तक आयजा जो है अपने भाई के साथ खेलेंगे। ब्रेकफास्ट में आज मैं ढोकला बना रही हूँ। हफ्ते में मैं एक से दो बार बना लेती हूँ, कभी ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ या तो कभी शाम को मैं बनाती हूँ। और ये जो ढोकला है ना, आप बनाकर एक बार देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये जो ढोकला है ना, ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। इसकी आप अगर वेट लूज़ भी कर रहे हो तो इसको आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, लंच में, स्नैक में या डिनर में भी ले सकते हो। मेरे मम्मी के घर भी ये बहुत ज़्यादा इसको बनाते हैं। ढोकला बनाने के लिए ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं लगते, हमारे किचन में आसानी से अवेल होते हैं, बस उसी से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन, 2 टीस्पून बारीक रवा, सॉल्ट, शुगर, थोड़ा सा मैंने टर्मरिक, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक बैटर मैंने बना लिया है। स्टीमर में थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं हीट करने के लिए उसको रख दिया है। अब यहाँ पर जो है मैं इसमें 1 टीस्पून इनो फूड सॉल्ट, ये हमारे घर में भी आसानी से अवेल होता है, तो उसमें थोड़ा सा मैंने ऊपर से पानी ऐड करके उसको एक्टिव कर लिया है। ढोकला आप किसी में भी स्टीम कर सकते हैं। मेरे पास इडली कुकर है, जो मैंने इडली कुकर मैंने परचेस किया था उसी में ही ढोकले के प्लेट्स आए हुए थे, तो उसी में ही मैं बनाती हूँ। लेकिन इससे पहले जब मेरे पास नहीं थे तो मैं स्टीम करके बनाती थी। स्टेनलेस स्टील के जो लंच बॉक्स होते हैं उसी में ही मैं बैटर को ऐड करके स्टीम पे लगा देती थी। ढोकला का बैटर ऐड करने से पहले मैंने ढोकला प्लेट्स को अच्छी तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लिया था। मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट्स तक इसको मैंने स्टीम कर लिया है। ये अभी इतना नरम तो नहीं लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर एक तड़के का पानी ऐड करना होगा, तभी जो है ना ये जो पानी हम ढोकले पे ऐड करेंगे तभी हमारा जो ढोकला है फ्लफी होगा। कढ़ाई लिया है, ऑयल हीट होने पे 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, 2 से 3 हरी मिर्च और थोड़े से करी पत्ते ऐड किया है। जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा इसमें मैंने थोड़ा सा हींग, 2 टीस्पून शुगर ऐड किया है। स्टोव ऑफ करके इसमें 1/4 कप मैंने पानी ऐड किया है। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ढोकले के ऊपर मैंने ऐड किया है। अब देखिए, अब हमारा जो ढोकला है ना एकदम फ्लफी एंड स्पॉन्जी हुआ। कोई कोई जो है ना ढोकले को प्लेन ही रखते हैं, तड़के वाला जो पानी मैंने बताया वो ऐड नहीं करते, उसको आप ऐड करिएगा, आपका जो ढोकला है एकदम स्पॉन्जी एंड फ्लफी बनेगा। मेरी जो मदर टंग है वो गुजराती है, तो मेरे मम्मी के घर में इसको ब्रेकफास्ट में अक्सर बनाया जाता है। मैं अब अपने बच्चों को बना करके जब देती हूँ तो मेरे बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ढोकले के साथ हरी मिर्च, कोथमीर और पुदीने की जो चटनी बनती है उसको आप बना सकते हैं, लेकिन बच्चों को जब मैं सर्व करती हूँ ना तो केचप और थोड़े सा मायोनीज के साथ ही वो खाना पसंद करते हैं। केचप के साथ भी जो है ना टेस्ट ढोकले का बढ़िया लगता है। 1 कप बेसन से मैंने ढोकला बनाया था और बस 4 ही पीसेस अब बचे हुए हैं, इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे।
नाश्ते के बाद मैं आयजा को सुला देती हूँ क्योंकि आसिम और आना के क्लासेस होते हैं, तो उस वजह से। अभी जो टाइम है 11 AM हो रहा है। इस वक्त आसिम अपनी बायजूस क्लास में होते हैं, आना को थोड़ा सा मैं वर्क दे देती हूँ तो वो कर रहे होते हैं। और इस वक्त जो है ना, जब आयजा सोए हुए होते हैं और बच्चे भी जो है बिज़ी रहते हैं अपने स्टडीज़ में, तो ये जो टाइम है ना, मैं चाय बनाती हूँ और थोड़ा सा रिलैक्स भी करती हूँ। जब भी मैं चाय पीती हूँ ना, तो जो भी चाय पीने के मग्स होते हैं उसको मैं चेंज करते रहती हूँ। तो आज जो है मैं इस वाले मग में चाय पीऊँगी। ये चीज़ करने से मुझे अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैं मग्स को चेंज करते रहती हूँ। किसी ने मुझसे सवाल किया था कि चाय में मैं क्या ऐड करती हूँ, तो चाय में जो पार्थ का जैगरी पाउडर जो मिलता है, बस वही ऐड करती हूँ। वाइट शुगर को तो हमने कम्प्लीटली छोड़ दिया है, बस बहुत कम यूज़ करती हूँ। चाय मेरी हो गई, थोड़ा सा मैंने रिलैक्स कर लिया, रेस्ट कर लिया, थोड़ा सा मोबाइल चला लिया, बहुत सारे चीज़ें मैंने कर ली थोड़ी देर में। टाइम 12 बज रहा था। जब भी बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा हल्की सी भूख भी लगने लगती है। तो फिर मैंने सोचा, आज वैसे भी सैटरडे है, सैटरडे संडे हम अपने हिसाब से रहते हैं, तो सैटरडे संडे जो है ना, मैं ब्रेकफास्ट के बाद भी कुछ ना कुछ मैं बना देती हूँ बच्चों के लिए। हर सैटरडे को मैं सेवियाँ बनाती हूँ कस्टर्ड पाउडर ऐड करके, बहुत ज़बरदस्त बनता है, इसको मैं अक्सर बनाते रहती हूँ। लेकिन स्पेशली सैटरडेज़ को मैं ये मिस नहीं करती। मुझे स्वीट्स पसंद नहीं है, मैं खाती भी बहुत कम हूँ, लेकिन मुझे नमकीन बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन आपको तो पता ही है, बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है ना स्वीट्स पसंद आते हैं, तो उस वजह से मैं इनके लिए शीर खुरमा बनाती हूँ। शीर खुरमा में जब हम 2 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड करते हैं, तो शीर खुरमा और भी ज़बरदस्त बनता है। लेकिन मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं किया, क्योंकि बच्चे मेरे ड्राई फ्रूट्स जब शीर खुरमा में आते हैं तो वो पसंद नहीं करते, तो उस वजह से मैं ऐड नहीं करती। किचन के लिए मैंने कुछ रिसेंट शॉपिंग किए थे, आपने वीडियो में देखा ही होगा। कई सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं, लिंक्स भी पूछ रहे थे, थोड़ों को मैंने लिंक्स भी दे दिए थे। आज ही मुझे एक प्रोडक्ट की डिलीवरी भी मिल चुकी है, तो सोचा आज ही जो है ना, एक छोटा सा हॉल वीडियो इस वीडियो में मैं शेयर कर लूँ। तो कैनिस्टर है, आपने वीडियो में देखा ही होगा, ये बिस्किट का कैनिस्टर है, तो सेम ऐसा ही जो है ना स्नैक का भी है। वुडन लिड है और काफ़ी एयरटाइट भी है, काफ़ी मुझे पसंद आया, तो उस वजह से मैंने एक बिस्किट का लिया है और एक स्नैक्स का लिया है। इसके जो भी प्राइसेस होंगे मैं यहाँ पर स्क्रीन पे डाल दूँगी, आप इजीली देख सकेंगे। ये मैंने एक ऑफ वाइट गार्लिक का बॉक्स लिया है, इसमें मैंने ऑलरेडी गार्लिक स्टोर किया है, काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया और बहुत दिनों से इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। एक मैंने कटलरी होल्डर लिया है, जिसमें फोर्क्स, स्पून्स, बटर नाइफ्स इजीली रख सकते हैं, और एक किचन में भी बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। इसको तो मस्ट किचन में रखना चाहिए, स्पेशली किचन आइटम स्टोरेज के लिए ना, कई सारे इनके पास वैराइटीज़ है। जैसे मैंने गार्लिक का एक बॉक्स लिया है स्टोरेज के लिए, तो इनके पास पोटैटोस एंड अनियंस के भी स्टोरेज के कैनिस्टर मिलते हैं। आप एक बार इनकी वेबसाइट पर जाकर देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ अच्छी लगेगी। ये 2 आइटम्स अलग अलग हैं, लेकिन मैंने सेम कलर में लिया है। ये जो पिंक सर्विंग प्लेट के साथ ग्लास लिड है, उसका जो प्राइस है 699 है। स्पून रेस्ट का जो प्राइस है 399 है। अगेन स्टोरेज करने के लिए मैंने वायर बास्केट लिया है। एक मैंने वेस्ट साइड से जो है ना रोटी का वुडन बॉक्स लिया है, इससे पहले भी आपने रोटी का वुडन बॉक्स देखा ही होगा। अब मेरे पास जो है ना 2 रोटी के बॉक्सेस है, एक डिज़ाइनर जो मैंने आपको दिखाया था, और ये बस एकदम सिंपल सा है और लाइट वेट में भी है। और ये जो मेरे पास रोटी का बॉक्स है, आपने वीडियो में देखा ही होगा, मैंने आपको डिटेल में दिखाया भी था,
और इसका जो वेट है ना एकदम हैवी है। अब ये जो मैंने वेस्ट साइड से रोटी का बॉक्स लिया है उसका जो प्राइस है 999 है, और ये वाला जो रोटी का बॉक्स है इसका जो प्राइस है थोड़ा सा ज़्यादा है, 1699 है, क्योंकि ये हैवी है और ये डिज़ाइनर है। और ये जो रोटी जिस पे रोटी लिखा हुआ है उसका जो प्राइस है 999 है। जो पहले वाला रोटी का वुडन बॉक्स है, जब मेरे हस्बैंड इंडिया आए थे तो उनको ये रोटी का वुडन बॉक्स पसंद आया था, तो उस वजह से उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। मेजरिंग कप्स को मैं दिखाना भूल गई थी, जिस पे लिखा है ए कप ऑफ लव, हाफ अ कप ऑफ जॉय, क्वार्टर कप ऑफ होप। बहुत क्यूट सा है और काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया। ये जो भी सारी चीज़ें हैं किचन में डेली बेसिस पे काम आते ही हैं, साथ में किचन में रखने से अच्छा भी दिखता है। आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग और आज का मेरा छोटा सा हॉल वीडियो पसंद आया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक मैंने डाल दिया है, अगर आप में से किसी को परचेस करना है तो आप वेबसाइट के थ्रू जाकर ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। वीडियो को एंड करती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।